अभी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों खत्म हुई है दूसरे धोनी की तलाश। संघर्ष की भट्टी में तब कराया एक ऐसा उभरता सितारा, धोनी से भी खतरनाक छक्के लगाकर पलट देता है पूरे मुकाबले का रुख। नाम सुनकर ही खौफ में आ जाते हैं दुनिया का बड़ा से बड़ा गेंदबाज। तो आखिर कौन है वह 20 साल का धाकड़ खिलाड़ी जिसे धोनी का उत्तराधिकारी माना जा रहा है? कौन है वह, क्या है उसका इतना खास रिकॉर्ड, कैसे घरेलू शतकों में क्रिकेट में शतकों की झड़ी लगाकर उसने धोनी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया? उसके इस भयंकर पारी से लेकर उसके बारे में सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में जब भी बेस्ट फिनिशर्स की बात होती है तो जुबा पर एमएस धोनी का नाम सबसे पहले आता है। वही खिलाड़ी जिनके बारे में कहा जाता था ये विकेट के पीछे से मैच का रुख पलट देते थे। भारतीय क्रिकेट टीम को 3 ICC ट्रॉफी जिताने वाले एमएस धोनी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी, सूझबूझ कप्तानी और बिजली से भी तेज विकेट कीपिंग स्किल्स के दम पर टीम इंडिया को कई मैच और खिताब जिताए। हालांकि धोनी के संन्यास लेने के बाद एक भी ICC खिताब नहीं जीत सकी, जिसकी सबसे बड़ी वजह अंतिम क्षण में मैच फिनिश नहीं करना और प्रेशर का होना रहा है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम बेस्ट फिनिशर और खिलाड़ी के भाव में जूझती हुई नजर आई। धोनी के संन्यास के बाद अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश भी टीम इंडिया को लगातार रही है। लेकिन अब पिछले 4 साल से दूसरे धोनी की तलाश में जुटी टीम इंडिया की खोज अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल हम जिस दूसरे धोनी की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि IPL में महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में खेलने वाले 20 साल के युवा खिलाड़ी समीर रिजवी है। उत्तर प्रदेश के ऑलराउंडर रमेश रिजवी को चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2024 में नीलामी में 8.4 करोड़ रुपए की मोटी रकम दे करके खरीदा था। और IPL शुरू होने से पहले ही समीर रिजवी ने कर्नल CAK नायडू ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में अपनी बल्लेबाजी का ऐसा जलवा दिखाया कि IPL से पहले ही सभी बाकी के 9 विरोधी टीम कांप उठी है। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स के युवा क्रिकेटर समीर रिजवी ने IPL 2024 से पहले अपना टॉप फॉर्म पा लिया है। इस धाकड़ बल्लेबाज ने रविवार को कानपुर में सौराष्ट्र के खिलाफ कर्नल CK नायडू ट्रॉफी में शानदार शतक जड़ा। उत्तर प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच Under-23 मुकाबले के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में रिजवी ने अपनी आरास दिखाई और पहले दिन 117 गेंद पर 134 रन बनाए। सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और रिजवी ने सौराष्ट्र के टॉस जीतने के फैसले को गलत साबित किया और ताबड़तोड़ शतक ठोका और 134 रन बनाकर नाबाद रहे। रिजवी के शतक के मदद से UP ने पहले दिन स्टंप तक 5 विकेट खोकर 426 रन बनाए और रिजवी ने 114.53 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। अपनी पारी के दौरान 14 चौके 6 छक्के चेन्नई सुपर किंग्स ने रिजवी के Under-23 टूर्नामेंट में शतक जमाने पर खुशी जाहिर की और एक विशेष पोस्ट किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने समीर रिजवी का फोटो शेयर करके कैप्शन लिखा, 1-3-4 यहाँ आई दहाड़। यानी कि उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि अब समीर रिजवी IPL से पहले टॉप नॉच फॉर्म हासिल कर चुके हैं और इस IPL में हमें यह खिलाड़ी इतना खास है इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि 20 साल के समीर रिजवी ने IPL 2024 नीलामी में काफी सुर्खियां बटोरी थी। इस ऑलराउंडर को खरीदने के लिए CSK और गुजरात टाइटंस के बीच गजब की लड़ाई देखने को मिली। 20 लाख के बयाइस प्राइस वाले रिजवी की बोली 8.40 करोड़ रुपए पर जाकर रुकी, जिसके चलते वो सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी बने। इतना ही नहीं, समीर रिजवी ने UP T20 के उद्घाटन सीजन में सबसे तेज शतक जड़ा था। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 49.16 की औसत और 134.70 के स्ट्राइक रेट से घरेलू T20 में रन बनाए और ये फैस जाने को बेकरार है कि रिजवी की फिनिशिंग शैली CSK में MS धोनी की कप्तानी में निखरेगी या नहीं, क्योंकि धोनी तो कोयले को भी हीरा बनाना जानते हैं। लेकिन समीर रिजवी तो खरा सोना है और बहुत जल्द हमें उनकी धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिल भी सकती है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स 22 मार्च को बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ IPL 2024 का उद्घाटन मुकाबला खेलेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, समीर रिजवी अपनी कीमत के अनुसार परफॉर्मेंस कर पाएंगे? चेन्नई, मुंबई और बेंगलुरु में कौन IPL 2024 का चैंपियन बनेगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सिंह धोनी और सरफराज खान को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों सरफराज खान की तूफानी पारी को देखकर चेन्नई ने दिया IPL का कॉन्ट्रैक्ट। खुद महेंद्र सिंह धोनी ने ऐलान कर दिया करोड़ों रुपए का ऑफर। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के बेहतरीन बल्लेबाज सरफराज खान के पहले टेस्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद चारों तरफ उनकी तारीफ हो रही है। इस मैच में IPL में तमाम टीम शामिल करने के लिए कवायद में लगी हुई है। इस बीच चेन्नई की टीम ने भी सरफराज खान को शामिल होने का ऑफर दिया। इस बीच खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने सरफराज खान को करोड़ों का ऑफर देते हुए टीम में शामिल करने हेतु एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी ने सरफराज खान को शामिल करने हेतु क्या कहा, यह तो आपको बताएंगे ही, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज खान महेंद्र सिंह धोनी में कौन है खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को 434 रन से जीत मिली है। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से सरफराज खान ने सभी को अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया। यहां पर सरफराज खान ने पहले मैच के अंदर पहली पारी में 62 रन का योगदान दिया और रन आउट होकर अपना विकेट दिया। दूसरी पारी के अंदर 68 रन की नाबाद पारी खेली। ऐसे में अब उनको IPL का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए सभी टीम इनके पीछे लगी हुई है। इस बीच चेन्नई की टीम भी सरफराज खान को टीम में शामिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इस बीच महेंद्र सिंह धोनी ने खुद बड़ा ऐलान करते हुए सरफराज खान को टीम में शामिल कर लिया और शामिल करते हैं तो एक ऐसा बयान जारी किया जिसको सुनकर आप कभी होश उड़ जाएंगे।
दरअसल महेंद्र सिंह धोनी ने सरफराज खान के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें इसी तरीके से आगे बेहतर बल्लेबाजी करने और आगे दोनों मैच में शतक लगाने की उम्मीद की है। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने सरफराज खान को लेकर बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा भारतीय टीम की तरफ से सरफराज खान ने काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए अपने पहले मैच के अंदर दोनों पारी में अर्धशतक लगाते हुए सभी को प्रभावित किया और बताया है कि भारतीय टीम के लिए इस खिलाड़ी का काम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि सरफराज खान के पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है और इसी एक्सपीरियंस के चलते सरफराज खान ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत के करीब ले जाने का काम किया। भारतीय टीम के लिए सरफराज खान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम को मैच जीतने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा उनके इसी प्रदर्शन को देखते हुए आईपीएल के अंदर शामिल करने के लिए हम तैयार हैं। मुझे लगता है कि सरफराज खान को चेन्नई की टीम में आईपीएल के अंदर शामिल हो जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि सरफराज खान ने जिस प्रकार से तूफानी प्रदर्शन करते हुए टेस्ट क्रिकेट के अंदर टी20 वाला परफॉर्मेंस दिखाया, उसे देखकर मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम की तरफ से उनका खेलना काफी ज्यादा बेहतर रहा है और अब उनको आईपीएल की टीम में शामिल कर लेना चाहिए, जो टीम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि सरफराज खान के बेहतर प्रदर्शन को देखकर सभी टीम उनके शामिल करने की तैयारी में है, लेकिन हमारी टीम डायरेक्ट ऐसे किसी खिलाड़ी को नहीं लेती, परंतु उनके बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए हम उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल कर सकते हैं और टीम उनका शामिल करने के लिए 16 करोड़ की भारी भरकम रकम देने के लिए तैयार है। ऐसे में अगर सरफराज खान चेन्नई की टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देना चाहते हैं तो हमारी टीम के अंदर आ सकते हैं, जिसके चलते हमारी चेन्नई की टीम फिर से चैंपियन बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरफराज खान या चेन्नई की टीम में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आप भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव को टी20 का महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान ही टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का हो गया ऐलान। एक साथ टीम में शामिल हुए 5 खूंखार प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम इस साल आईपीएल के तुरंत बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 खेलने वाली है, जिसके लिए दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस बीच टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। इस बीच इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज के दौरान छाने वाले दो बड़े खिलाड़ियों को भी मौका मिल चुका है। तो आखिरकार टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम में कौन से चौंका देने वाले नाम सामने आए हैं, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ में टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के पूरे स्क्वाड के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन सी टीम वर्ल्ड कप चैंपियन बन सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, भारतीय टीम इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2024 अब से कुछ महीनों के बाद खेलने वाली है। आपको बता दें, इस बार का टी20 वर्ल्ड कप जून के महीने में 1 जून से 30 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज की धरती पर खेला जाने वाला है, जिसके लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो वहीं भारतीय टीम भी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। आपको बता दें, भारतीय टीम फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रही है, जिसके बाद भारतीय टीम मार्च की समाप्ति से अप्रैल और मई के समापन तक आईपीएल खेलने वाली है और इसके बाद भारत को तुरंत टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, जिसके लिए अभी से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। लेकिन इस बीच बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने स्पष्टीकरण देते हुए भारतीय टीम के कप्तान और कप्तान की उपकप्तान की घोषणा कर दी है, जहां उन्होंने रोहित शर्मा को कप्तान और हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाने के साथ राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। लेकिन इस बीच बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने सबसे पहले ओपनिंग के लिए रोहित शर्मा को शामिल किया है, जो टीम के कप्तान रहेंगे। इसके अलावा तीसरे नंबर पर विराट कोहली को शामिल किया है, जो टीम के मुख्य खिलाड़ी साबित होने वाले हैं। साथ में 4 नंबर पर सूर्य कुमार यादव को शामिल किया है, जो टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज फिलहाल की स्थिति में। इतने ही नहीं, ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक पांड्या को भी टीम के अंदर उपकप्तान के तौर पर शामिल किया गया है। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने इन तीनों खिलाड़ियों की स्पष्टि अभी से दे दी है। इसके अलावा बीसीसीआई ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जो टेस्ट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और टी20 में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब इनको भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने का मौका वर्ल्ड कप में मिल सकता है। तो वहीं बीसीसीआई ने 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह को शामिल किया, जो भारतीय टीम के मुख्य खिलाड़ी फिलहाल की स्थिति में बन चुके हैं, जो टीम की स्थिति के अनुसार बेहतर बल्लेबाजी करना जानते हैं और अंतिम समय पर तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिला सकते हैं। इतना ही नहीं, अब बीसीसीआई ने ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा को शामिल किया, जो भारत के टी20 के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक हैं। ऐसे में इनके ऊपर अब बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। तो वहीं बीसीसीआई ने स्पिन गेंदबाज के तौर पर रवि बिश्नोई को शामिल किया है, जो टी20 के नंबर 1 गेंदबाज बन गए। ऐसे में अब इनसे भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं तेज गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को शामिल किया गया, जो टीम में मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को भी टीम में मौका दिया गया है, जो वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के लिए मुख्य हीरो रहे हैं। हालांकि इन 11 खिलाड़ियों के अलावा बीसीसीआई ने बाकी के 4 खिलाड़ियों को भी शामिल किया है, जिसमें ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को मौका मिला है, जो हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं। इसके अलावा आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद विकेटकीपर के तौर पर ऋषभ पंत को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने के लिए सरफराज खान को शामिल किया है, जो बेहतरीन बल्लेबाजी फिलहाल कर रहे हैं। ऐसे में अब इनके ऊपर बेहतर प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा बीसीसीआई ने स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को भी शामिल किया है, जो बेहतर प्रदर्शन भारत के लिए कर सकते हैं।
साथ में ऑलराउंडर के रूप में रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल को शामिल किया है। ऐसे में अब इन 11-16 खिलाड़ियों के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 को वेस्ट इंडीज और अमेरिका की धरती पर खेलने के लिए और चैंपियन बनने के लिए मैदान पर उतरने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।